जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली पूरा का पूरा फैमिली परमिशन पे और आप अपनी जॉब के साथ फैमिली, जैसे आप CISF, BSF, CRPF, ITBP या किसी भी अर्ध सैनिक बल में अगर आप सर्विस करते हो तो आप फैमिली कब रख सकते हो, कितने दिनों के लिए साथ रख सकते हो और फैमिली रखने की आपको परमिशन कब से हो जाती है, ट्रेनिंग के कितने भी दिन बाद से आपकी फैमिली रखने की परमिशन हो जाती है या कहां पर आपको फैमिली रख सकते हो, किस जॉब में सबसे ज़्यादा फैमिली रखने की फैसिलिटी है, किस जॉब में कम फैमिली रखने की फैसिलिटी है, फैमिली रखने वाले को क्या फ़ायदे होते हैं और नहीं रखने वाले को क्या फ़ायदे होते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी, जिस पर आने वाली नई नई वैकेंसी, जितने भी नई नई वैकेंसी होगी, हर महीने की जितने भी वैकेंसी के फॉर्म भरे जाएंगे उनकी पूरी डिटेल उस पर आती रहेगी, नए नए वीडियो आते रहेंगे नए अपडेट से संबंधित और मैथ और रीजनिंग की क्लास साथ में चलती रहेगी। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, ज़रूर जाके सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आपको और आपके छोटे भाइयों को जिनको भी ज़रूरत हो नई वैकेंसी के बारे में जानने की, जिन वैकेंसियों की कई बार विज्ञप्ति भी नहीं आती है, पेपर आप पढ़ते नहीं हो, पेपर में ज़रूर आती है रोज़गार सेंटर में, जैसे जो भी रोज़गार सेंटर के जो पेपर होते हैं उनमें जरूर आते हैं, लेकिन आप कई बार उनको नहीं पढ़ते, तो मैं आपको इधर से अपडेट करता रहूँगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नई वैकेंसियों के बारे में उधर आपको जानकारी हर रोज़ मतलब मिलती रहेगी। अब बात करते हैं फैमिली परमिशन की। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा फैमिली रखने की परमिशन कौन सी फोर्स में होती है, इस क्वेश्चन पर हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फैमिली रखने की परमिशन कैसे मिलती है और कहाँ कहाँ आपको फैमिली रखने की सुविधाएँ हैं। तो दोस्तों बता दूँ कि जितने भी बड़े बड़े आप नाम जानते हो, आतंकवाद ज़्यादा है, कहाँ अलगाववाद ज़्यादा है, कहाँ नक्सलवाद ज़्यादा है, तो जहाँ पर डेंजर एरिया है जहाँ पर फैमिली रखने की परमिशनें नहीं होती, लेकिन आपको कुछ एक चीज़ें इनके बारे में नहीं पता। कईयों को ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में फैमिली रखने की सुविधाएँ नहीं है, क्योंकि कश्मीर में तो बहुत आतंकवादी घटनाएँ बहुत होती है, फोर्स के लिए सबसे डेंजर जगह मानी जाती है कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर सबसे हार्ड एरिया माना जाता है। जम्मू की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, जम्मू और कश्मीर को आप साथ में ना मिलाइए, जम्मू में तो सभी को फैमिली परमिशन होती है, ठीक है। जम्मू में तो फैमिली रखने की परमिशन सुविधाएं बहुत अच्छी होती है, किसी भी फोर्स को सभी को फैमिली, सभी का मतलब ये नहीं है कि आप 100% के 100% फैमिली रख रहे हैं वहाँ पर, लेकिन जिसको रखना है उनको फैमिली परमिशन जम्मू में ज़रूर मिलती है, क्योंकि जम्मू पीसफुल एरिया है, जम्मू इतना डेंजरस एरिया नहीं है, केवल बॉर्डर जहाँ पाकिस्तान से लगता है वो जगह डेंजर है, बाकी जो जम्मू है वो इतना मतलब ख़तरनाक एरिया नहीं है कि वहाँ फैमिली परमिशन नहीं होती। वहाँ पर बड़े बड़े ग्रुप सेंटर बन रखे हैं, CRPF, BSF, ITBP, आर्मी, इनके तो बड़े बड़े ग्रुप सेंटर है, वहाँ पर कई फैमिलियाँ रहती है, आपके आसपास में अगर कोई है तो ज़रूर उनकी फैमिलियाँ भी जम्मू में रही होगी। अब जो ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि कश्मीर में फैमिली परमिशन नहीं होती होगी, वहाँ तो आतंकवादी इलाके हैं तो वहाँ पर कोई फैमिली नहीं रख पाता हो, ऐसा नहीं है दोस्तों, कश्मीर में भी फैमिली परमिशन होती है और बहुत सारे लोग कश्मीर में भी अपनी फैमिली को रखते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं। कश्मीर की वादियाँ आपको पता है कि विश्व में, आप मान के चलिए कि अगर किसी को कश्मीर जाने का मौका मिलता है जीवन में तो आप जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि कश्मीर की वादियाँ जैसी कहीं नहीं है, विश्व का सबसे सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा आपको कश्मीर में, इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कश्मीर का। कश्मीर से जब फ्लाइट भी निकलती है ना कोई भी, तब भी वो अलग सा ही नज़ारा दिखता है वहाँ से। तो कश्मीर में भी फैमिली रखने की परमिशन होती है फोर्स के मेम्बरों को। अब वो कहाँ कहाँ होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको पता है कश्मीर में बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर भी है, CRPF का ट्रेनिंग सेंटर है, BSF का ट्रेनिंग सेंटर है और भी इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर है आर्मी के भी। तो जहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं या ट्रेनिंग सेंटरों में जिनकी ड्यूटीज़ होती है, चाहे वो कोई से डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में हो या किसी बटालियन उस ट्रेनिंग सेंटर में होल्ड करके हो या किसी बटालियन का RTC सेंटर है, तो वहाँ पर फैमिली रखने की परमिशन होती है और वहाँ पर कई फैमिलियाँ रहती भी है दोस्तों। तो कश्मीर जैसे इलाकों में भी फोर्स को फैमिली रखने की सुविधाएं हैं, हाँ, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज में, जैसे बाकी सब जगह 50% या 30% या 40% रहता है, यहाँ पर 5 से 10% या 15% लोगों को ही फैमिली रखने की परमिशन होती है, जो कि ग्रुप सेंटर यानी किसी फोर्स के सेंटर के अंदर ही जो कैंप बने होते हैं। तो कश्मीर जैसे इलाकों में होता क्या कि आपको ग्रुप सेंटर या जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर श्रीनगर एक GCP जो CRPF की GC है, तो वहाँ पर फैमिली रखने की परमिशन सुविधाएं हैं। तो जो ग्रुप सेंटर है या ट्रेनिंग सेंटर है इनमें, लेकिन वहाँ पर अलाउ केवल ये होता है कि आप केवल ग्रुप सेंटर के अंदर जो बने हुए होते हैं आपके होम के लिए जो क्वार्टर्स, उनके अंदर ही आपको फैमिली रखनी पड़ती है, आप कश्मीर में बाहर फैमिली नहीं रख सकते। तो जो आपके ग्रुप सेंटर में जितनी फैमिली रखने की सुविधाएँ हैं, जितने क्वार्टर्स खाली है उतनी आप फैमिली रख सकते हो दोस्तों, लेकिन
बाकी सब जगह ऐसा नहीं है। अब जैसे आप कश्मीर से कंपेयर छत्तीसगढ़ को भी कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी सुविधाएं हैं कि आपके ग्रुप सेंटर, जैसे कोबरा कमांडो के बारे में आपको पता है, कोबरा कमांडो को भी फैमिली परमिशन होती है, वो अपनी फैमिली साथ रख सकते हैं, उनको क्वार्टर की सुविधाएं होती है, तो फैमिली अपने साथ रख सकते हैं। कोई भी अगर कोबरा कमांडो बनता है वो अपनी फैमिली साथ रख सकता है, उसको परमिशन होती है फैमिली रखने की, वहाँ क्वार्टर्स की अच्छी व्यवस्था है। वही है जितना भी डेंजर एरिया, जैसे आपको पता छत्तीसगढ़ झारखंड ये नक्सलाइड एरिया है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको बाहर फैमिली रखने की परमिशन कम मिलती है, नहीं भी मिलती है ना के बराबर। लेकिन जितने भी आपके सेंटर ग्रुप सेंटर आपके जो आपका कैंप है बेस कैंप है आपके, उनके अंदर अगर क्वार्टर्स है तो उनमें आपको सुविधाएँ मिल जाती है फैमिली रखने की दोस्तों। तो ऐसा बात नहीं है कि आप किसी भी फोर्स में फैमिली नहीं रख सकते, तो फैमिली यहाँ रख सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा टाइप है, दो टाइप मैंने बता दिया जैसे कश्मीर में कैसे रखते हैं छत्तीसगढ़ में, तीसरा जो टाइप है वो है पीसफुल एरिया। पीसफुल एरिया का मतलब जैसे आप दिल्ली हो, जयपुर हो, आंध्रा में हो, कहीं हो, हैदराबाद हो, या रायपुर, भोपाल, इंदौर, ये क्या कि पीसफुल सिटीज़ है। तो इनमें क्या होता है कि आप फैमिली आपके क्वार्टर्स में भी रख सकते हो और क्वार्टर के बाहर भी रख सकते हो। जैसे आपका जो सेंटर है ग्रुप सेंटर, उसके अंदर तो आपको फैमिली परमिशन रहती रहती है, तो उसके बाहर भी आप फैमिली रख सकते हो। जैसे बाहर अगर आप मान लो किसी सिटी में रह रहे हो, तो क्वार्टर्स अगर वहाँ पर पूरे हो रखे फुल्ली फाइव, तो आप बाहर कोई होम किराए पे लेके और रख सकते हो। अब इसमें फ़ायदे क्या होते हैं फैमिली वालों को और नहीं फैमिली वालों को क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो फैमिली कौन कौन रख सकता है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कश्मीर जैसी जगहों में भी अगर फैमिली रख सकते हो, तो बाकी पीसफुल एरिया में तो आप फैमिली रख सकते हो। आपको कश्मीर वहाँ पर कम परसेंटेज रख सकते हो, लेकिन बाकी सब जगह आप फैमिली रखने की परमिशन आपको अच्छी खासी मिल जाती है दोस्तों। तो जिनको फैमिली साथ रखने की ये क्वेश्चन रहता है कि सर फैमिली साथ रख पाते हैं नहीं रख पाते, तो ये उनके लिए है। अब बात करते हैं कि फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं फैमिली रखने के। तो अगर मान लो आप किसी हाईटेक सिटी में या जैसे दिल्ली में अगर आपकी ड्यूटी और फैमिली रखते हो, तो आपको एचआर के रूप में वहाँ का जो होम रेंट अलाउंस है वो दिल्ली का मिलेगा। फिर अगर आप क्वार्टर से बाहर या फैमिली रखते हो, तो आपको वहाँ का एचआर मिलेगा। ऐसे आपको एचआर मिलता है आपके विलेज के, जिस विलेज से आप बिलोंग करते हो, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से जैसे 8% अगर गांव का है। लेकिन अगर आप दिल्ली में फैमिली रखते हो, तो आपको कितना मिलता है, दिल्ली के हिसाब से 24% एचआर। तो ये फ़ायदे होते हैं फैमिली रखने के, बाहर रखने के। अब अगर आप क्वार्टर में रख रहे हो, तो आपका होता क्या है कि जो नहीं रखते हैं उनको एचआर एक्स्ट्रा मिलता है, जो फैमिली रखता है गवर्नमेंट क्वार्टर्स में तो उनको एचआर नहीं मिलता है, होम रेंट अलाउंस है वो उनको नहीं मिलता है जो फैमिली रखते हैं, और जो नहीं रखते हैं उनको ये अलाउंस कंटिन्यू मिलता रहता है दोस्तों, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से 8%, 16%, 24% के हिसाब से। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट और नुकसान होते हैं कि जो रखते हैं उनको ये प्रॉफिट होता है, उनको ये है कि फैमिली रखने की सुविधाएँ मिल जाती है, उनको एचआरए नहीं मिलता, और आपको जो नहीं रखता उसको एचआरए हर महीना मिलता रहता है। लेकिन जो फैमिली रखता है और वो क्वार्टरों से बाहर यानी बाहर सिटी में फैमिली रखता है, तो उसको एचआरए भी मिलेगा और बाकी सब सुविधाएं मिलेगी और फैमिली रखने की परमिशन भी होगी। वो अपनी ड्यूटी के टाइम कैंप में आएगा, ड्यूटी करके वापस अपने घर को लौट जाता है दोस्तों, जहाँ पे भी वो अपने मकान किराए कुछ भी ले रखा है वहाँ पर। तो इस प्रकार से फैमिली परमिशन होती है। अब बात आती है सबसे ज़्यादा किस फोर्स में फैमिली रखने की सुविधा है, तो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा फैमिली रखने की सुविधा आप मानो तो CISF में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो CISF की ड्यूटी है वो इस प्रकार की है कि जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, तो ये क्या सभी सिटियों में ड्यूटी है, कोई डिफिकल्ट एरिया में बहुत ही कम ड्यूटी है, ऐसी बात नहीं है कि ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी इन एरियों में भी होती है, जैसे छत्तीसगढ़, रायपुर, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज है उनका जो, या स्टील प्लांट है उनमें ये सिक्योरिटी देते हैं। तो कई जगह ऐसी भी है ना डेंजरस है, तो वहाँ पर इनके क्वार्टर्स अंदर होते हैं और फिर भी इनको फैमिली रखने की सुविधाएँ सबसे अच्छी होती है, कम भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए पैरामिलिट्री फोर्स में, तो सबसे ज़्यादा फैमिली रखने की सुविधाएँ CISF को है प्रेजेंट टाइम में। उसके ज़्यादा कौन फैमिली रखता है वो तो डिपेंड करता है कि फोर्स पे, कौन सी फोर्स में कहाँ पे आप ड्यूटी करते हो, कहाँ नहीं करते हो, वो तो डिपेंड आपकी फोर्स और पोस्टिंग पे करता है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा अगर माना जाए तो CISF को है। उसके बाद में सभी फोर्सों में इक्वल सा ये फैमिली रखने की परमिशन है, जैसे CRPF हो, BSF हो, ITBP, CISF हो, इनमें CRPF में भी काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं CRPF में फैमिली रखने की, क्योंकि CRPF में पूरे देश काफ़ी बड़ी फोर्स है, तो आपकी ड्यूटी बार बार चेंज होती रहती है हर 3-4 साल से, तो आपको मतलब एक बार नहीं मिलेगा तो दूसरी बार फैमिली रखने का चांस ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से फैमिली रखने की परमिशन होती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और भी कोई जानकारी चाहिए तो जुड़े रहिए चैनल से, आपको इस प्रकार की सभी जानकारियाँ मिलती रहेगी दोस्तों। जय हिंद।